हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आप देख सकते हो कितना सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये इसमें कुछ गैजेट्स भी हैं, कुछ प्रोडक्ट भी हैं। तो मैं अभी रिसेंटली दिल्ली लाजपत राय मार्केट गया था, जो कि लाल किला के सामने लगती है। जो आना चाहता है वो जाके देख सकता है सामान, मार्केट वगैरह कैसी है, ठीक है। तो वहां पे पूरा सामान, मतलब गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, स्पीकर, एम्पलीफायर, जो भी है सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो मैं भी अभी रिसेंटली में गया था, मैंने कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे परचेज करे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमने क्या क्या खरीदा हुआ है, उसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं कितना सही है। तो वीडियो को फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट तो करता ही हूँ यार आप लोगों से हमेशा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास भाई सबसे महंगा वाला आईपैड, जो कि शायद ही आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ आपको दिल्ली लाजपत राय मार्केट में और ऑनलाइन आपको काफी महंगे प्राइस में मिल जाएगा, करीब मात्र 150 रुपया देगा। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। मैंने इसे ऑफलाइन परचेस करा है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये कुछ जन्मपत्री मिली है, बेकार है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। ये तो यार काफ़ी एप्पल का भी नहीं लग रहा है, ये तो चाइना से भी गिरा हुआ है। तो देख सकते हो इसकी बहुत डब्बा पहले हटाते हैं हम लोग साइड में। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ दिखने में कुछ इस टाइप का है। कैसे यूज़ करना है ये मुझे पता नहीं है, अभी मैंने इसको बस इसको ख़रीद लिया था। तो यहाँ पे कुछ एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है स्टाइलस, जो है काफ़ी हैवी पेन लग रहा है, बिल्कुल सैमसंग और एप्पल की तरह। और इसको चालू कैसे करना है, अच्छा यहाँ पे दे रखा है बटन, तो यहाँ पे ये बटन कर दिया ऑन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बेसिकली एक आईपैड है, जैसे पहले वो बचपन में स्लेट वगैरह आता था ना, जिससे हम चौक से लिखते थे। तो ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, चाइनीज वर्जन है ये, बेसिकली इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके बाद इसको डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब, फटाफट कर दो, करने के बाद बस इसको ऐसे दबाना। भाई ये प्रोडक्ट तो मेरे को ठीक ठाक लगा, 150 रुपए के हिसाब से काफी सही है। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो तो यार मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल भी मत परचेज करना, बहुत घटिया प्रोडक्ट है ये। इसका एक बार सेल खत्म हो जाएगा तो सेल भी जल्दी नहीं मिलता है ये। हाँ छोटे बच्चे यूज कर सकते हैं, बाकी और इसमें कोई काम का चीज नहीं है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट गैजेट की बात करते हैं, तो ये है हमारे पास 50 वॉट का RGB LED लाइट। बेसिकली ये रिमोट कंट्रोल से चलता है। यहाँ पे सब कुछ, सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि 50,000 घंटे तक चलता है, और यहाँ पे काफी सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। ये काफी पॉपुलर भी रहा है पिछले कई महीनों में, कई सालों में। तो चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैंने बस जो 100-150 रुपए में आने वाले प्रोडक्ट है वही मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो डब्बे को रखते हैं साइड पर। तो ये है हमारे पास एक रिमोट, इसका मिल जाता है, जिसके अंदर एक लगा है सेल, ये है प्लास्टिक का। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है ये आपको RGB लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरह का है, इसके ऊपर नीचे हैंडल लगा हुआ है। बाकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है। और ये मैंने मात्र सिर्फ 120 रुपीज़ में परचेज़ करा है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ऑनलाइन आपको 200 रुपये में समथिंग मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पहले से ही प्लग वगैरह लगा रखा था, क्योंकि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूँ पहले टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं, अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको इसका स्टैंड लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा कमज़ोर है। यहाँ पे इसको ऐसे लगा दिया, अब इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट यानी डायरेक्ट अपने स्विच बोर्ड में लगाना है। ओ भाई साहब ये चालू हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक रिमोट भी मिल जाता है, ये देखो। तो यहाँ पे रिमोट जो मिलता है ना, इसका ये प्लास्टिक निकालना है, उसके बाद आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। पहले मैं ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑफ हो चुका है। ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, कैमरे में पता नहीं चल रहा है। तो मैं रेड कलर जलाता हूँ पहले, एक मिनट में अपनी स्टूडियो की लाइट बंद कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये रेड कलर है, उसके बाद मैं यहाँ ग्रीन कर देता हूँ, फिर रेड कर देता हूँ, सॉरी ग्रीन कर देता हूँ, येल्लो ब्लू हो गया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सही है यार। मेरे को ये प्रोडक्ट
थोड़ा सा यूनिक लगा इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया। आप इसे फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो ये इसमें फ्लैश भी है, ऑटोमेटिकली जलने लग जाता है काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो मेरे हिसाब से यार काफ़ी बहुत वैल्यूबल है ये। तो ये देखो यहाँ पे मैं इसकी, ये देखो यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है, काफ़ी सही है, बिल्कुल सेफ है। लेकिन बस थोड़ी सी क्वालिटी जो है थोड़ी सी लो है, इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी होती ना तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता भी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बिगनर हैं तो वो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी वगैरह के लिए, एडिटिंग के लिए, या स्टूडियो में लगाना हो उसके लिए, बेसिकली बहुत काफ़ी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी पैसा वसूल है, 120 रुपये में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट की ओर। तो ये है हमारा एक प्रोडक्ट है, ये मैंने इसको परचेस करा जानबूझ के क्योंकि इसकी ब्राइटनेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं 12 वोल्ट की बैटरी वगैरह ले जाता हूँ डेली लाजपत राय मार्केट, तो जैसे ही मेरे को कुछ अच्छा दिखता है तो मैं वहाँ परचेस कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको परचेस कर लिया है, तो इसको चलो मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है, मैंने इसको क्यों परचेस करा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9 वोल्ट का जो कनेक्टर है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे ये कनेक्टर आपको यहाँ सीधा लगा देना है, ठीक है। चल नहीं रहा क्या, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है इस तरह से। इसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं आप स्टूडियो बंद करके आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा है इसकी ब्राइटनेस है, बहुत ही ज्यादा है। आप इसे फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, स्टूडियो में लाइट वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, काफ़ी सही रहता है यार ये। मैंने इसको जो परचेस करा है सिर्फ 35 रुपीज पर पीस के हिसाब से परचेस करा है। नेक्स्ट गैजेट की बात करें तो ये एक गैजेट ही है एक तरह से बताऊं तो, गर्मियां आ चुकी हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कैसा गैजेट है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो भाई ये है एक डिस्प्ले टेम्परेचर मीटर, ये टेम्परेचर बताता है। देखो ये देखो यहाँ पे अभी जो गर्मियों का जो टेम्परेचर है अभी 31 सेल्सियस दिखा रहा है, 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अभी जितनी गर्मी है उस हिसाब से दिखा रहा है, ये ठंडा होगा तो ठंड में दिखाएगा, ठीक है। आप एसी फ्रिज वगैरह का आप टेम्परेचर नाप सकते हो। तो इसके बैक साइड पे ये मेटल की ये लगी पड़ी है, तो मैं ना अभी इससे आपको एक टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूँ। अभी मैं अपना तो दिखाऊँ पहले आपको, मेरा तो अभी ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, अभी 33 ही दिखा रहा है, तो ये नॉर्मली है। अभी मैं यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर चेक करता हूँ। ये देखो ये सोल्डरिंग आयरन है ना, ये देखो अभी तो मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखो बढ़ गया है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो 61 हो गया, 68 हो गया, 76, 83। अब ऐसे ही हटा लूँगा तो ये डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी ये कम हो रहा है ना, अभी गर्म है ना इस वजह से देखो डाउन हो रहा है। अभी जितनी देर ये गर्म है ना उतनी देर ये डाउन रहेगा। अभी मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ, देखो अभी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखो पानी ले लिया, थोड़ा सा ही लिया मैंने चेक कराने के लिए बस आपको, तो मैं इसको पानी में डालता हूँ। ये देखो अभी ये कम हो जाएगा, देखो बिल्कुल कम हो जाएगा क्योंकि ठंडा हो रहा है इस वजह से। देखो 43, 39, ये हो गया 36, 34। तो अभी जो टेम्परेचर है ये उसी पे आके रुक गया है, ठीक है। अभी ये कम ज़्यादा नहीं होएगा, अब इतना ही रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 30। काफ़ी सही है यार ये गैजेट, मेरे को काफ़ी सही लगा। ये मेरे को करीब 120 रुपीज़ में मिल गया था मार्केट में, ठीक है, क्योंकि सिंगल पीस लिया था मैंने। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेता तो ये मेरे को और ज़्यादा सस्ता पड़ता। अगर आपको परचेस करना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की ओर बढ़ें तो ये है हमारे पास लाइट, दिखने में कुछ इस तरह की है। ये है RGB लाइट, मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कैसे काम करता है। आपने देखा होगा बेकरी वगैरह, बेकरी में जो केक वगैरह रखते हैं अपनी दुकानों में, तो वो यहाँ वो लगाते हैं अपने डिस्प्ले में लाइट वगैरह, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे इसको चलाने के लिए आपको 12 वोल्ट की बैटरी या 9 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, या आप चार्जर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास तो बैटरी पड़ी हुई है, तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लगाना है, और ये देखो ये चालू हो गया, अभी आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं स्टूडियो की लाइट बंद करता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ।
तो देख सकते हो ये आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, झालर वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो अगर दीपावली वगैरह के टाइम में, या डेकोरेशन पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही रहता भाई। मेरे को ये पर पीस अगर मैं बताऊँ, ये मेरे को 10 से 12 रुपए पर पीस के हिसाब से पड़ा है, क्योंकि मैंने क्वांटिटी कम ली है, बस इतने ही परचेस करे थे मैंने। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो आप ऑनलाइन पता कर सकते हो, तो लगभग आपको 20 से 25 रुपए पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। ये सिर्फ सिंगल पीस 20-25 रुपए का मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है, सिंगल कलर, कोई भी कलर आपको चाहिए सब मिल जाएगा। आप मार्केट में आके लेना चाहो तो मार्केट में आके ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट गैजेट की बात करते हैं, तो ये भी हमारे काफ़ी यूनिक सा प्रोडक्ट है, मैंने इसे परचेस करा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये है एक स्पीड कंट्रोलर है, ये इससे आप एलईडी लाइट या मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, और ये 12 वोल्ट पे वर्क करता है, 3 एम्पेयर का है, ठीक है। मैं आपको बेसिक ही दिखा रहा हूँ, मैंने इसे सिर्फ 100 रुपीज़ में परचेस करा है। अगर आप लोगों को परचेस करना होगा तो आप लोग परचेस करते हो, कभी कभी ये महंगाई मिल जाता है, कभी 120 रुपीज़, 130 रुपीज़, अलग अलग रेट से मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे आपको पावर देनी है 12 वोल्ट, यहाँ पे पावर जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप मोटर या एलईडी लगा सकते हो। तो चलो फटाफट से मैं कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने कनेक्शन कर लिया है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लाइट लगाई हुई है, तो यहाँ बैक साइड पे यहाँ मोटर की जगह पे मैंने लाइट लगा दी है, और यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। तो इसका जो काम है ना, इसको कंट्रोल करता है, जिससे ये हीट नहीं होगा, तो काफ़ी सही रहता है। तो मैं इसको चालू करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो इसकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। इसको मैं अगर फुल करूँ तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन देखो मैंने कम कर रखा है इसको। तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ, स्टूडियो की लाइट बंद कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने स्टूडियो की लाइट बंद कर दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी ये बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल लो है। अभी देखना इसकी ब्राइटनेस, ये देखो कितनी इतनी ज़्यादा है कि ये देखा नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा है इसकी। देखो मैं ब्राइटनेस बढ़ा दे रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, और ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, इससे पता नहीं चलेगा। आप इसको स्टूडियो में लाइट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एल्युमिनियम की हीट सिंक रख दूंगा ना इसके ऊपर, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसके ऊपर। देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, और तो मेरे हिसाब से यार काफ़ी सही लगा मेरे को ये प्रोडक्ट। तो ये मेरे को सिर्फ 75 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिला है, तो आप लोग परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन जाके, जहाँ आपको सही लगे।